बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू स्माइली फूड और मैं हूं नाहिद। आज हम बनाएंगे पाए का सालन। बाजार में कई जगह सुबह सुबह पाए के सालन को खाया जाता है, क्योंकि पाए का सूप काफी हेल्दी होता है। पाए के सालन को तंदूरी रोटी, नान या चावल के साथ भी खाया जाता है। कुर्बानी के मौके पर रेस्टोरेंट जैसा टेस्टी और गाढ़ा पाए का सालन किस तरह बनाते हैं, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने 4 बकरे के पाए लिए हैं। अब उसको साफ करने के लिए सबसे पहले तो उसे गैस पर रखकर थोड़ा सा सेंका जाता है, ताकि ऊपर की चमड़ी अच्छे से क्लीन हो जाए। उसके बाद आपके पास जो भी आटा हो, जैसे कि ज्वारी, बाजरी या गेहूं का, तो थोड़ा सा आटा डालकर 5 मिनट तक अच्छे से रगड़ना है। अब एक चाकू की मदद से ऊपर की स्किन को साफ कर लेना है और लास्ट में 4 से 5 बार पानी से अच्छी तरह से धो लेना है, तब जाकर पाए हमारे पकाने के लिए रेडी होते हैं। पाए को गलाने के लिए इस गिलास के नाप से मैंने 5 गिलास पानी कुकर में गरम कर लिया है। गरम पानी में पाए डालते हैं तो पाए जल्दी से गल जाते हैं, तो ये पाए डाल देते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हाथों को संभालते हुए डालें क्योंकि पानी गरम है। 2 बड़े साइज की प्याज लिए, जिसे स्लाइसर में हमने बारीक बारीक स्लाइस कर लिए इसकी। 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, नमक टेस्ट के मुताबिक और कुछ खड़े गरम मसाले डाल देते हैं, जिसकी वजह से पाए जब गलेंगे तो उसका सूप बनेगा ना, तो उसमें भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो 1 बड़ी इलायची ली है, 1 छोटा दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 4 से 5 हमने लौंग ली है और 8 से 10 हमने काली मिर्चें ली है। तो ये गरम मसाले डाल देते हैं, एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेते इसे। अब कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और कुकर में मीडियम आंच पर 8 से 10 सीटियां लगा लेनी है। ये बकरे के पाए है और हमने गर्म पानी में इसे डाला है, तो ये जल्दी ही गल जाते हैं। तो गैस की फ्लेम मीडियम कर दे, जितना गलने में टाइम लेते हैं उतना आपने गला लेना है। 6 से 7 सीटियां हो गई है कुकर की, हमने धीमी आंच पर पाए को गलाया है। तो अब मैंने गैस को बंद कर दिया था और कुकर का सारा प्रेशर निकल चुका है। पाए को चेक कर लेते हैं हम। तो देखिए, यहाँ पर पाए हमारे बहुत अच्छी तरह से गल चुके, ये देख रहा होगा आपको, और इसका सूप भी देख सकते हो कि प्याज हमने जो डाली थी वो भी अच्छी तरह से बॉयल हो चुकी है। तो अब हम पाए का सालन बना लेते हैं और इसे साइड के गैस पर रख देते हैं। गैस पे एक पतीली रखिए, उसमें 1 कटोरी भर के तेल डालेंगे। तो यहाँ पर मैं मूँगफली का तेल ले रही हूँ। इससे मटन की कोई भी चीज़ बनाएं आप तो उसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है, लेकिन आप कोई भी तेल ले सकते हो। कुछ खड़े गरम मसाले डालेंगे हम। तो यहाँ पर 3 लौंग ली है मैंने और 8 से 10 काली मिर्चें हैं, 4 हरी इलायची है, 2 छोटे दालचीनी के टुकड़े हैं और 1 तेजपत्ता है, ये डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा सा इसे तेल में फ्राई होने देते हैं ताकि गरम मसाले की अच्छी तरह से खुशबू आ जाए। गरम मसाले फ्राई हो गए, गैस की फ्लेम धीमी कर देंगे। 1 बड़ी साइज़ की प्याज को मैंने मिक्सर में पीस कर इसका पेस्ट बना लिया, ये डाल देते और गैस की फ्लेम धीमी रखे। धीमी आंच पर प्याज को गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे हम। ये देखिए, प्याज को 2 से 3 मिनट तक मैंने अच्छी तरह से हल्का सा गोल्डन होने तक फ्राई कर लिया है। अब इसमें हम 1 चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे, इससे खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी। और साथ ही हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देते, तो 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे और अदरक लहसुन को भी 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। अब यहाँ सूखे मसाले भी बता देती हूँ मैं आपको। तो 2 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, थोड़ी सी हल्दी ली है, 1 चम्मच मैंने मटन मसाला लिया है, आप कोई भी घर का गरम मसाला भी ले सकते हो, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, 1.5 चम्मच देगी लाल मिर्च ली हूँ, इससे कलर बहुत बढ़िया आता है। अगर आपके पास देगी लाल मिर्च ना हो तो नॉर्मल वाली मिर्च भी ले सकते हो। ये मसाले डाल देते और इसे हम भून लेंगे। गैस की फ्लेम धीमी रखिए, मसाला जले नहीं, इसीलिए हम पाए का जो स्टॉक है वो डालेंगे और मसाले को भूनते जाएंगे। तो 4 से 5 मिनट के लिए मसाले को मैं अच्छी तरह से धीमी आंच पर भून लेती हूँ। मसाला जलेगा तो मटन का स्टॉक ही हम डाल के मसाले को भून लेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देते बारीक कटा हुआ,
मसाले में से तेल ऊपर आ जाए वहां तक हम मसाले को अच्छी तरह से भून लेते हैं। पाए का स्टॉक डालकर मैंने धीमी आंच पर 4 से 5 मिनट तक मसाले को अच्छी तरह से भून लिया है। ये देखिए मसाले में से थोड़ा तेल भी निकल रहा है। अब ये जो पाए हमने गला के रखे उसे स्टॉक के साथ डाल देते हैं। ये बड़ी इलायची हम निकाल लेंगे जो हमने पाए को गलाते टाइम पर डाली थी। एक बार मिक्स कर लेते इसे। साथ ही में इसमें हम पानी भी डाल देंगे, तो जितनी आपको ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से आप इसमें पानी डालें। तो मटन का स्टॉक डालने के बाद 1 गिलास पानी डाल दिया है मैंने। आप अपने हिसाब से पानी को इसमें एडजस्ट कर सकते हो। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस टाइम पर नमक चेक कर ले, अगर नमक कम लगे तो नमक डाल सकते हो आप। नमक थोड़ा कम लग रहा है तो मैं इसमें नमक डाल देती हूँ। तो ये जो ऊपर तरी आई है उसमें से 2 चम्मच हम तरी निकाल लेते, ऊपर से डालेंगे हम। हल्की हल्की जो तरी है यानी तेल है इसका हमने निकाल लिया है। ये देखिए आधी कटोरी मैंने इसके ऊपर का तेल निकाल दिया है। इसे लास्ट में डालेंगे तो साइड में रख देती हूँ। तो पानी डालने के बाद देखिए अभी थोड़ी सी ग्रेवी पतली लग रही है, तो इसमें एक चीज़ डालेंगे हम जिससे हमारी ग्रेवी रेस्टोरेंट में या ढाबों पर पाए की तरकारी गाढ़ी गाढ़ी होती है ना, उस तरह की हो जाएगी। ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए मैंने 2 चम्मच गेहूँ का आटा लिया है, तो उसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर इसका घोल बनाएंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये जब पाए की ग्रेवी में डालेंगे तो पाए की ग्रेवी हमारी गाढ़ी हो जाएगी। तो 3 से 4 चम्मच पानी डालकर मैं इसका घोल बना रही हूँ। इसे मिक्स करके डालेंगे हम तो कोई भी तरह के लम्स नहीं पड़ेंगे ग्रेवी में। अभी यह आटे का घोल थोड़ा थोड़ा करके डाल देते और मिक्स करते जाएंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेते। अब धीमी आंच पर 10 से 12 मिनट के लिए ये पाए के सालन में हम अच्छी तरह से उबाल लाएंगे ताकि सालन हमारा अच्छी तरह से पके। 12 से 15 मिनट हो गए हैं पाए के सालन को पकते हुए। जो हमने इसमें गेहूं का आटा डाला था वो भी अच्छी तरह से पक चुका है, और जो मटन का स्टॉक था उसकी वजह से ये सालन में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब जो हमने तरी यानी ये जो तेल बचा कर रखा था वो डाल देते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कभी कभी हम गेहूं का आटा डालते हैं तो तरी इसकी उड़ जाती है, इसीलिए हमने तरी इसकी निकाल ली थी। और इसकी ग्रेवी देख सकते हो आप, माशाल्लाह कितनी गाढ़ी बनी है। बस मैं गैस बंद कर देती हूँ और गर्मा गर्म इसे हम 5 मिनट के बाद सर्व कर लेंगे। तो इस ईद उल अधा के मौके पर ये मटन पाए के सालन को आप ज़रूर बना के देखिए। मेरे तरीके से आप बनाओगे तो आपका भी इंशाल्लाह सालन बहुत ही मज़ेदार बनेगा और बहुत ही खाने में टेस्टी लगता है। और ये जैसे जैसे ठंडा होते जाएगा वैसे इसकी ग्रेवी गाढ़ी होती जाती है। आप इसे चपाती के साथ, नान के साथ, तंदूरी रोटी के साथ या चावल के साथ भी खा सकते हो। ये गर्मा गर्म खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा
और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।